जलगांव से गोवा की फ़्लाइट गई, जलगांव से मुंबई की फ़्लाइट गई, लेकिन जलगांव टू हैदराबाद में बोले कुछ ऑपरेशनल इशू की वजह से फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एक और नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और वीडियो के टाइटल से और वीडियो के थंबनेल से आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा भाई कि हम लोग इस व्लॉग में कहाँ जा रहे हैं। ये अभी मेरी बाइक, वो खड़ा है, मेरा भाई खड़ा है, ठीक है। और हम लोग जा रहे हैं जलगांव। जलगांव से मेरी फ़्लाइट है हैदराबाद के लिए। नहीं, जो लोग भी जलगांव से हैदराबाद या जलगांव टू पुणे जहाँ भी जाने वाले हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए जिनके लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है फ़्लाइट का, तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। टिकट कैसे बुक करना है, क्या बुक मतलब कौन कौन सी वेबसाइट से आप टिकट बुक कर सकते हैं। फ्लाई 91 वो मतलब एयरलाइंस का नाम है और दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज इन जलगांव रीजन। तो मैंने पर्सनली इक्जिगो से बुक किया था अपनी फ़्लाइट। तो आप लोग जैसे गो आई बीबो है, मल्टीपल वेबसाइट है, वो वेंडर के ज़रिए बुक कर सकते हैं। मैंने पर्सनली इक्जिगो से किया था और मुझे अराउंड कॉस्ट आया फ़्लाइट की टिकट का जलगांव से हैदराबाद में अराउंड 3000 रुपीज़, इकोनॉमी वाई ऑफ कोर्स, ठीक है। बाइक पे हैदराबाद जाने का था मेरे को, नेक्स्ट टाइम करेंगे यार, बाइक पे जाएंगे हैदराबाद पर, ठीक है। बाइक की ट्रिप भी इंशाल्लाह गॉड विलिंग अगर हुआ तो भाई देखेंगे, ज़रूर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में, लेट्स बिगिन द फन। थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही थी बीच में, अभी बंद हो गई है, तो वेदर भी सही है, वेदर भी बढ़िया है, बस भाई बारिश ना आए यही दुआ कर रहे हम। जो बारिश आएगी तो भाई ऐसा ना हो वेदर की वजह से थोड़ा डिले हो जाए। बहुत ही खूबसूरत वेदर भाई, बहुत ही खूबसूरत वेदर। बादल देखिए आप, बादल क्लाउडी, थोड़ा सा रेनी, क्या बोलते हैं उसको, बदली, बदली वाला मौसम है भाई, बदली। अभी यहाँ से कैसे जा रहा है ये जान लीजिए, बस जाने देंगे ना, मतलब पता नहीं जाने तो देंगे। कॉन्फिडेंस से घुसने का ना, तो जाने से। ओके, वी आर एट द एयरपोर्ट, जलगांव एयरपोर्ट में आप लोगों का स्वागत है भाई, जलगांव विमानतल। ओके भाई, ठीक है भाई, पहुंच गए। तो भाई ऐसा सीन है, हम लोग पहुंच चुके हैं जलगांव एयरपोर्ट फ़िलहाल, और थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊंगा मैं एयरपोर्ट के आसपास का नज़ारा, ठीक है। यह है जलगांव एयरपोर्ट, वो जा रहा है भाई एयरप्लेन, ठीक है। अगर मैं दिखा पाऊँ आप लोगों को, ये देखो जूम करके, ये जा रहा है भाई एयरप्लेन, छोटा दिख रहा है, छोटा एयरप्लेन है। अरे हेलो, वो जा रहा है भाई, ठीक है। वो खड़ा मेरा भाई अरमान। तो पार्किंग में लगाने जा रहा है क्या बाइक? हाँ। ये ले चावी, मेरी अमानत। ख्याल रखना भाई उसका। 2 आवर बिफोर आ चुका हूँ मैं, क्योंकि ये इनका चेक इन वगैरह होता है, सिक्योरिटी चेक, दिस एंड दैट। 2 टाइप्स के बैग होते हैं, एक होता है लगेज बैग, दूसरा होता है केबिन बैग। 2 बैग रखने होते हैं। बैग की लिमिट जो होती है, लगेज बैग की लिमिट होती है 15 किलो, और केबिन बैग की जो लिमिट होती है वो है 7 किलो। और अगर आपका बैग का जो वेट है भाई, वो देखो एक और जा रहा है भाई, बहुत ही नज़दीक से जा रहा है, तो आपका बैग का वेट अगर ज़्यादा होता है तो वो लोग कुछ आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो लिमिटेड रखो। ज़्यादा हमारी आदत होती है इंडियंस की भर भर के सामान रखने की, तो थोड़ा सा वो कम करो। मतलब लिमिटेशन में बाकी तो देख सकते हैं, ठीक है।
और ये आसपास काफ़ी सही बना हुआ है यार, मतलब वो एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट की एंट्री है, मैं दिखा पाऊँ आपको, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ सीन है, ठीक है, ये जलगांव एयरपोर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर आपने अगर मेरा लास्ट वाला हैदराबाद का व्लॉग देखा होगा तो उस टाइम ही मैं फ़्लाइट ले लेता, लेकिन तब जलगांव से फ़्लाइट चालू नहीं हुई थी तब, तो एक मैंने किसी से पूछा वहाँ पर कोई पैसेंजर से, तो वो गोवा जा रहा था, जलगांव से गोवा चालू है और जलगांव से हैदराबाद चालू है, जलगांव से पुणे आई डोंट नो अगर चालू है नहीं है तो आप लोग बता सकते कमेंट करके। तो अभी मुझे जब तक यहीं पर टाइम पास करना होगा, जल्दी आना सही रहता यार, अनलेस कि लेट हो जाए, मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया ताकि जो सिक्योरिटी वगैरह में जो चेकिंग वगैरह होंगी तो वो सारा कुछ सॉर्टेड हो जाए। तो भाई अब मैं कैमरा रख लेता हूँ अंदर, सीधा मिलेंगे आपसे ऑनबोर्डिंग के टाइम पे, सीधा मिलेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सीधा एयरपोर्ट से डायरेक्ट रूम में मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग को टाइटल से पता चल ही गया होगा मेरी फ़्लाइट जो है कैंसिल हो चुकी थी, थोड़ा सा हेक्टिक सिचुएशन हो गई थी, केओस मच गया था बिल्कुल, अफरा तफरी एयरपोर्ट पे भी थोड़ा सा, तो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बहुत मन था मेरा फ़्लाइट का आपको रिव्यू देने का। जलगांव से गोवा की फ़्लाइट गई, जलगांव से मुंबई की फ़्लाइट गई, लेकिन जलगांव टू हैदराबाद में बोले कुछ ऑपरेशनल इशू की वजह से फ़्लाइट कैंसिल हो गई। चूतिया बनाया तुमको। तो मैंने कुछ पैसेंजर्स के साथ मिल के हम लोग ने कैब करे थे औरंगाबाद के लिए, देन फिर औरंगाबाद से हम लोग ट्रेन में हैदराबाद आए, तो मैं आज सुबह ही जो है हैदराबाद पहुंचा हूँ, लेकिन उनकी सर्विस इतनी बेकार भाई, हमको मतलब लास्ट मोमेंट पे बोलते हैं, हम लोग बिल्कुल तैयार है लास्ट मोमेंट पे बोलते हैं आपकी फ़्लाइट कैंसिल होंगी बोले, और कैंसिल होंगी तो ये भी नहीं बोल रहे कि 100% कैंसिल होंगी, 80-20% चांसेस है बोले, अल्टरनेट आप लोग ढूंढना चालू कर दो भाई, एटलीस्ट 4 आवर बिफोर बता दो, या तो हमको कुछ थोड़ी देर पहले बता दो, उसमें भी वो लोग ऑप्शन दे रहे थे अगर आप चाहो तो बोले आप गोवा चले जाओ, गोवा से कनेक्टिंग फ्लाइट करके आप हैदराबाद चले जाना, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो भाई बिल्कुल जो है सोच समझ के बुक करना टिकट, मैंने 2 ऑप्शन दिए थे, एक तो रीशेड्यूल कराओ और दूसरा जो है रिफंड ले लो, तो मैंने रिफ़ंड का ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि रीशेड्यूलिंग में भी उनका जो है श्योर नहीं थे, उन लोग बोले आप रीशेड्यूल कल का फ़्लाइट रीशेड्यूल कराएंगे तब भी हम श्योर नहीं है कि कल के दिन भी कुछ ऑपरेशनल इशू हो जाए जिसकी वजह से फ़्लाइट ना जाए। तो भाई बड़ा मन था यार, बड़ा एक्साइटेड था मैं, पर ठीक है कोई बात नहीं यार, इंशाल्लाह गॉड विलिंग अल्लाह ने चाहा तो फिर एक बार मैं जलगांव से हैदराबाद जाऊंगा, या जलगांव से मुंबई, या जलगांव से गोवा, हु नोस। और पीजी कैसे बुक करना है क्या, तो आप लोकली लाइक सर्च कर सकते हैं गूगल मैप्स पे, देन उनको कॉल करके पूछ सकते हैं, या बहुत डिसेंट प्राइस में मिल गया लाइक 500 पर डे में, ठीक है। तो भाई बस अभी मैं पूरा रेडी होके मेरे इवेंट के लिए निकल रहा हूँ, अगर आपको इतना व्लॉग पसंद आया मेरा तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं अभी जहाँ इवेंट में जा रहा हूँ वो तो शूट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे तो आप स्टोरी में देख सकते हैं, कुछ कुछ मैं स्टोरी लगाते रहता हूँ अपने रेगुलर, रैंडम व्लॉग्स भी लगा देता कभी कभार कुछ डे टू डे एक्टिविटी, अगर आपको वो देखना है तो मुझे फॉलो कीजिए, AFTAB4Z, ठीक है, आफ्ताब्स मेरी ID ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है, भाई के जो भी है वो फेक ID है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ गुड डे।